नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस देखने वाले हैं, बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का। लेकिन किसका? तो ग्रुप बी का। ये जो सिलेबस है किसका है बाबू? ग्रुप बी का है। आप जब इसका हेडलाइन देखोगे तो लिखा हुआ सेकेंड सेमेस्टर का है ना, ये नया सिलेबस है इफेक्टिव फ्रॉम 2020-21 और लिखा हुआ सेकेंड सेमेस्टर। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये कौन सा सेमेस्टर का सिलेबस है? फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। भाई ऐसा क्यों? तो आप एक नोटिस वाला वीडियो देख लेना, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ग्रुप बी वाले को फर्स्ट सेमेस्टर में जब वो रहेगा तो उसको सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ना है। क्लियर? तो इसीलिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आपको किसका सिलेबस पढ़ना है? सेकेंड सेमेस्टर का। तो अब बोलोगे सर हमको ब्रांच डायरेक्ट बता दीजिए ना, किस ब्रांच का ये फर्स्ट सेम का सिलेबस है, किस ब्रांच का ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो बाबू, सिविल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है ना, उसके बाद जितना भी इस टाइप का ब्रांच है, एग्रीकल्चर, सेरामिक्स, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, आ रहा बात समझ में? जितना भी मॉडर्न ऑफिस, मतलब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, ये तीन ब्रांच छोड़ के सारा ब्रांच का यही सिलेबस है बाबू। सारा ब्रांच ग्रुप बी में ही आता है, वो तीन ब्रांच छोड़ के। तो ग्रुप बी का सिलेबस है बाबू ये, समझ गया? मेनली सिविल वगैरह का यही सिलेबस है। आप किस ग्रुप में हो इसके लिए आप वो मेरा वीडियो देख लो। हाँ चलो, देखो बाबू क्या पढ़ना है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का ही सिलेबस है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, पांच सब्जेक्ट बाबू पढ़ना है आपको। और वैसा ही है बाबू, हर सब्जेक्ट 70 का आपको सेंटर पे एग्जाम देना है, 20 नंबर क्लास टेस्ट और 10 नंबर आपको टीचर जो काम देते हैं क्लास के दौरान, कुछ भी बनाने, वर्क, होमवर्क वगैरह उसका रहता है बाबू। टोटल जो आपका मार्क्स होगा वो 500 मार्क्स का होगा। एग्ज़ाम आपको 350 का ही देना है सेंटर पे, है ना। अब यहाँ देखो बाबू, प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल आपका 200 मार्क्स का है बाबू, चार सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल है यहाँ पर। और टर्म वर्क जो है बाबू आपका वो 50 मार्क्स का है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितना हुआ? 500 का हुआ आपका एग्ज़ाम, 200 को हुआ आपका टर्मिनल वर्क, सॉरी प्रैक्टिकल, अब 50 का हो गया टर्मिनल, यानी टोटल हो गया 750। देखो यहाँ 750 लिखा हुआ है, क्लियर। अब सिलेबस है क्या बाबू, तो जल्दी से मैं सिर्फ चैप्टर बता दे रहा हूँ। मैथ का सिलेबस है बाबू आपका इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, यही चार चीज़ है बाबू पढ़ना। ये नैन क्लासेस का लर्निंग ऐप पे हम लोग कराएंगे बाबू, बहुत अच्छे से कराएंगे। उसके बाद देखो बाबू, ये फिजिक्स का जल्दी से मैं चैप्टर पढ़ दे रहा हूँ। पहला चैप्टर है वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, एकोस्टिक ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब कैसा बिल्डिंग बनाए कि साउंड वगैरह ज़्यादा ना आए, और भी बहुत सारा चीज़ पढ़ना है बाबू इसमें। ऑप्टिक्स, साउंड गूंजे वगैरह ना, जैसे नहीं होता हम लोग बोलते हैं तो आवाज़ पूरा गूंजता है, वो सब नहीं होना चाहिए। ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर ऑफ फिजिक्स, उसके बाद लास्ट है मॉडर्न फिजिक्स। तो ये हुआ फिजिक्स का बाबू। फिजिक्स का भी हम लोग पूरा तैयारी करवाएंगे नैन क्लासेस का लर्निंग ऐप पे। ये इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम हो गया बाबू, ये मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड वाला पढ़ाई हो गया बाबू, ये थोड़ा बहुत आपको जानना है। ये मैं ये टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे रहा हूँ बाबू पूरा डिटेल में,
है ना, ये पूरा सिलेबस, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दे रहा हूँ बाबू। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो कि मेनली मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मैकेनिकल और सिविल के लिए, तो आपको मैकेनिक्स पढ़ना है बाबू, है ना। उसके बाद फिर लैब वगैरह आ गया बाबू, ठीक है। चलिए, तो इसको भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। मेरा यूट्यूब वीडियो आप देख रहे हो, इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और नहीं तो नैन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप में मैं तो डाल ही दिया हूँ। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।